तो नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब आदमी अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अभी देख सकते हैं मैं कितना सारा गाड़ी काट के रखी हूँ, वहाँ तले काट के यहाँ से, क्योंकि पलानी आगे में यहाँ जो दरवाज़ा है हमारा वहाँ पर एक पलानी रखूँगी, लमना लकड़ी रखने के लिए। ऐसे दिक्कत होता है, एक रूम है उसमें खाना बनाओ सब कपड़ा लाता सब रखना पड़ता है। तो सोच रही है राड़ी काट के सुखा देती हूँ खर को, इसके बाद विजय पापा बोले बांस खरीद के लाएंगे तब पलानी रखेंगे, तब तक खर सूखेगा, इसी से काट के मैं रख देती हूँ। अभी शाम हो चुका है, 4 बज रहा है, प्यास बहुत बार बार लग रहा है, 4 बज रहा है। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, सब्जी नहीं था, 10 रुपये का आलू मैं सुबह बनाई थी, तो चलिए अभी हम मार्केट चलती हूँ, 1 किलो गैस भी भरवा लूँगी, क्योंकि बारिश के मौसम है, कभी बारिश हो जाएगा तो मैं अंदर में खाना बना लेती हूँ, और नहीं होगा तो मैं यहीं पर बाहर में बना लेती हूँ। तो चलिए हम मार्केट चलते हैं सब्जी भी लाने के लिए। अब विकास भी विजय भी जाएगी गैस उसे लेकर, देखिए लकड़ी पसार के रखी है इधर सूखने के लिए। चलिए हम चलती हूँ मार्केट, फटाफट नहा धो कर तैयारी हो चुकी हूँ, झोली ले लिया हूँ। अब विजय आगे जा रहा है, वो सबसे आगे चल गया है उधर, क्योंकि वो ले आए हैं गैस साइकिल से, कोई लड़का जा रहा था बोला साइकिल से हमको लेते चलो, तो बोला ठीक है चलो, तो उन्हीं के साथ वो चल गए हैं आगे। चुके हैं काजल के रूम पर, आइए देखिए विजय जो गैस मुड़ी पर लेकर चल रहा था तो उतार दिया यार। आ काजल मांगा ये भूज जा 20 रुपया की पानी पूरी खाने का। हाँ पानी पूरी इसको तीखा पापा नहीं है ना, दें मार्केट तो तीखा तीखा खाने का मन कर रहा कुछ खबरी है का ले जा चलो अब हम चलते हैं मार्केट। तो दोस्तों देख सकते हैं गैस लेकर जा रहे हैं हम लोग मार्केट में, आ विजय बोलो जे ऐसे गैस खर्चा मत करना, बहुत मेहनत से भराया जाता है गैस लेके जाने में, क्योंकि इनके पापा रहते हैं ना तो साइकिल से लेकर चल जाते हैं, हम लोग पैदल जा रहे हैं हाथ में टांग के लेके जा रहे हैं, फिर उधर से टांग के लेके आएंगे। अभी इसमें थोड़ा सा गैस है तो बहुत मेहनत लगता है लेके जाने में, दूर है ना। फाइनली हम मार्केट में आ चुके हैं, गैस भरवा लिया हूँ, और यहाँ पर देखिए काजल की मम्मी भी मिल चुकी है दोस्तों जो हम सब्जी ले रहे हैं यहाँ पर, सब्जी भी ले चुकी एक थैला, और बहुत बहुत महंगा यहाँ पर मिल रहा है, महंगा मिलता इतना सस्ता मिलता हम कह रहे नहीं दोस्तों, हमारे मार्केट में बहुत सस्ता सब्जी मिलता है, तेरा पीछे ही ना बात चुके हैं मिथुन बाबू के रूम पर यहाँ पर। मानसी अभी इसमें से देखिए बाल निकाल के लेके भाग रही है घर में, चल गई घर में, अभी उसको मम्मी गई है हाथ मुँह धोने, ऐसी खा रही थी भुजा। तो चलिए हम अपना रूम पर चलती हूँ, विकास थक गए हैं बीजे, आकाश विकास रूम पर है। दोस्तों फाइनली हम अपने रूम पर आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर आकाश विकास है जो यहाँ पर देख सकते हैं बैठा के रखे हैं, जो मामी आएगी तो चावल बना के, चावल खाएगा क्या खाएगा रोटी, आ इधर देखिए एक खाजा खा रहा है, तरकुल का फल है, बोल रहे जे खाना बना के क्यों नहीं गई थी, ऐसे ही चल गई थी, इतना लेट से आ रही है, गैस भरवाने में टाइम लग गया था ना, यहाँ से बहुत दूर है जाने आने में पैदल पैदल। चलिए देखती हूँ मैं जल्दी फटाफट कुछ बना लेती हूँ खाना, चलते हैं हम जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, अचानक से बहुत तेज बारिश आ गए हैं जो मैं सब छोड़ छाड़ के उधर अंदर भाग गई हूँ, यहाँ पर बना रही हूँ खाना, डाइट कट गए हैं देख सकते हैं, चावल बना दिया हूँ, देख सकते हैं 8 बज रहा है, अब बर्खा खुल चुका है, अभी अभी खुला है, देखिए मैं सफाई फाई कर दी हूँ। चलिए बढ़िया से उसको हम ढक देती हूँ, एक से ढकी हूँ एक और से ढक देती हूँ, क्योंकि सुबह भीग जाएगा गीला हो जाएगा, रात में कहीं बारिश कस के आएगा तो इसी वजह से। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब आदमी अच्छे होंगे, हम लोग भी आप लोग को दुआ से सही हूँ। अभी अभी सुबह सुबह उठ के मैं बैठी हूँ, कोई काम नहीं की हूँ, क्योंकि हाथ में कैसे हो गया है,
जो खर काटते हैं ना कत्ता लगे है पूरा, इसको पहले हम रात में पाउडर नहीं लगाई तो ये पाउडर लगा देते लिए पूरा हाथ में। चलिए अभी मैं झाड़ू उड़ लगा कर बर्तन उर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। देखिए क्या बनाती हूँ, कल किन के लेकर आया था, आई थी मूली, घेवड़ा, प्याज, आलू, टमाटर। अभी रात में बारिश आकर भीग गया था ना, सर्दी जैसे लग रहा है। देखिए बीजे कैसे घूम रहा है, सुबह से उठा खाली। सुबह सुबह मैं क्या बना रही हूँ, गैस पर बना रही हूँ भुजिया और रोटी, उसके बाद मैं बनाऊँगी चावल और आलू का मुरई का सब्जी। तो पहले रोटी और भुजिया बनाती हूँ, फिर बीजे का काम पर जाएंगे। और कौन सा काम करते हैं खुद हम बताएँगे आप लोग सब। सकते हैं बीजे के पास जा रहे हैं अभी काम पर। आप लोग बहुत आदमी कमेंट करें भैया कौन सा काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, आप बताती भी नहीं कौन सा काम करते हैं। एक दिन कैमरा करके दिखाऊंगा, अभी बहुत काम बाकी है। और आप जाना साथ में, बच्चों को छोड़ाना स्कूल में क्योंकि बाकी जो है। कौन सा काम करते हैं बता दीजिए, कौन सा काम करते हैं सब। अरे यहाँ तो कोई भी काम करके बच्चों को बस पालना है और पढ़ाना है। वहाँ पर मैकेनिक काम करते थे, यहाँ जो काम मिलता है वही काम कर लेते हैं, जो खाने पे धो लो ना। रात हम बारिश ना आगे देखिए चुट्टी पे रात हम बारिश आगे सब गीला गीला अभी डालनी है घाम। रख छोड़ देना बच्चों का, ठीक है। तो जा रहे अभी मिस्त्री के साथ काम करने, जैसे हेल्पर में बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है। हाँ बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है यहाँ पर। मैं चल रही हूँ अभी बच्चों को नहवाने, स्कूल जाना है। इन्हें पे खाना ना खा लिए, रोटी और भुजिया बनाई थी। लेट हो गया है, लेट नहीं हुआ देखो 8 बज गया है। पापा भी काम पर जा रहे हैं, उसके बाद तुम लोग को 9 बजे स्कूल है। 8 बज गया है, 1 मिनट बचा है। 1 मिनट कहाँ बचे, अभी नहाएगा धोएगा टाइम हो जाएगा तुम्हारा। टाइम हो जाएंगे तो और लेट हो जाएगा। नहीं होगा, दूर है। दूर कहाँ है, चलो हम भी चलते हैं। नहीं जाऊँ तो चलिए मैंने कुछ नहा वहा स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी चावल और सब्जी। तो दोस्तों इन लोगों को तैयारी वारी कर चुकी हूँ, ले कर जा रही हूँ स्कूल में। देख सकते हैं दोनों भाई को, अभी जी आगे भाग गया है। इन लोग बहुत लेट लगाते हैं ना, नखरा करते हैं काश सबसे ज़्यादा। तो इसको नहा वहा देखिए हाथ से थोड़ा सा खून से निकला है, तो इतना पाउडर लगा देखा ना। तो देख सकते हैं आकाश का बोल रहा है आज अभी जे बीजे बड़ा स्कूल में जाएगा, गया है तो मैं आंगनबाड़ी में जा कर बैठ जाती हूँ। आज जब मैं आंगनबाड़ी में छोटा था तो आंगनबाड़ी भेज रही थी तो बोला बीजे बड़ा स्कूल में जाएगा, हम छोटा स्कूल में जाएंगे, हम बड़ा हो गए हैं। आज बोला जाए आंगनबाड़ी में जाने के लिए मुश्किल काम मिलता है, तो मुश्किल काम से आगे बढ़ता है ना। अच्छा देख सकते यहाँ पर दुकान था तो यहाँ पर रुक दिया, बोला जी बिस्कुट खरीद के देगी तभी जाएंगे। तो 6 रुपया 3 रुपया ला टाइगर बिस्कुट दोनों आदमी के दे दिए हूँ, अब ये लोग जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं मानसी उठ चुकी है, अभी सो के उठी है। मानसी को चाय चाहिए तब उठेगी, चाय चाय के लिए गुस्सा है देखो। अच्छा अभी लेकर बैठी है, सबके मालिक है ना। मिथिन बाबू खिला रहे हैं, ठीक हो रहा है। हाँ, मानसी की थोड़ा तबीयत खराब था, कान में कुछ हो गया था, वो हो गया था बच्चों को जाके रो रही थी। क्या हुआ मानसी, मानसी बता दो क्या हुआ। नहीं बोलो, ये सुस्त है ना, सो के उठी। हाँ। चिप्स कर दो मानसी, मानसी चिप्स खाएगी, समझ जाए कि छिंगा रहे। अंदर उठो, अंदर करो, अंदर करो। खाना ना बना चुकी है, नहा धोया के रेडी हो चुकी है। तो बच्चे के स्कूल छोड़ दिया हूँ, वहीं से मानसी के रूम पर भी गई थी, वहाँ से घूम घूम के आ गई हूँ। अब चलिए मैं सब बर्तन वर्तन धोऊँगी, कपड़ा भी थोड़ा है नहा गए वो भी धोऊँगी, उसके बाद मैं फिर भी सब्जी और चावल बनाऊँगी। सभी तो बकरी है वो चिल्ला रही है,
छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। तब तक ले अपना अपना ख्याल रखें लो, हम फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। और इंस्टाग्राम के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग।